कोई टक्कर नहीं है, कोई युवा का समर्थन नहीं, हर युवा मोदी मोदी कर रहा है। भैया तो मैं तो बार बार कहा ना कि मेरे टाइम का पैसा है कि किसी और टाइम का पैसा है, कहाँ का पैसा है। ईडी जांच कर रही है ना, तो ईडी तो पूछताछ करेगी ही, रिमांड में लेके तो सब सामने आ जाएगा। इनका आरोप रहता है कि ये सिर्फ जो है यहाँ के सत्ताधारी दल के ऊपर ही हो रहा है। अरे भाई, जो गलत करेगा उसके ऊपर ईडी की छापेमारी होगी, चाहे वो कोई दल हो। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ 28 लाख रुपए बरामद हुए हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रांची से विधायक सीपी सिंह है। सर, एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। इस वक्त लोकसभा चुनाव का जिस तरीके से चल रहा है प्रचार प्रसार, तो दूसरी तरफ ईडी की ताबातोड़ छापेमारी भी हो रही है और इस छापेमारी में करोड़ों रुपए भी मिल रहे हैं। देखिए, ईडी तो अपना काम करेगी ना, चुनाव हो या ना हो। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय ईडी छापेमारी कर रही है। भाई देखिए, ईडी को जहां जहां सूत्र हाथ लगते हैं उसी सूत्र के आधार पर ईडी छापेमारी करती है। तो ईडी जब छापेमारी करती है तो ये ईडी गठबंधन वाले बौखला जाते हैं। इनका आरोप रहता है कि ये सिर्फ जो है यहाँ के सत्ताधारी दल के ऊपर ही हो रहा है। अरे भाई, जो गलत करेगा उसके ऊपर ईडी की छापेमारी होगी, चाहे वो कोई दल हो। लेकिन इनको परेशानी है ना, ये तो इतना भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आकन डूबे हुए हैं, इन्हें डर लगता है कि कब ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। ये ईडी की कार्रवाई को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई रुकेगी नहीं। ईडी की कार्रवाई तो लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। जिस मंत्री के पीएस के पास से पैसे पकड़ाए हैं, क्या लग रहा है ये पैसे किसके हो सकते हैं? अब ये मैं नहीं कह सकता है पैसे किसके हो सकते हैं। ईडी जांच कर रही है, ईडी पता करेगी, ईडी पूछताछ करेगी। उन्हें रिमांड पर लिया है, रिमांड पर जब लिया है तो स्वाभाविक रूप से 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया तो पता चल जाएगा कि पैसा किसका है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ईडी सारी जांच कर लेगी, क्योंकि ईडी का यही काम है। तो ईडी सारे चीजों को परत दर परत खोलकर सामने रख देगी। ईडी की इस कार्रवाई में मंत्री आलमगीर आलम जो है वो फिलहाल कटघरे में है, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम ने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ दिया और कह दिया है कि संजीव लाल पहले भी जो मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में, उनके भी पीएस रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने आपका भी नाम लिया कि वो सीपी सिंह के भी पीएस रहे हैं और भी अलग अलग मंत्रियों के रहे हैं, तो उनके भी टाइम का ये पैसा हो सकता है? भैया तो मैं तो बार बार कहा ना कि मेरे टाइम का पैसा है कि किसी और टाइम का पैसा है, कहाँ का पैसा है। ईडी जांच कर रही है ना, तो ईडी तो पूछताछ करेगी ही, रिमांड में लेके तो सब सामने आ जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव का चौथे चरण से झारखंड में भी मतदान होना है, तो ऐसे में जिस तरीके से जो सभाएं हो रही है, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात कर ले या फिर राहुल गांधी की बात कर ले, क्या लगता है कि कितना असर पड़ेगा दोनों जिस तरीके से? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाहे राहुल गांधी आ जाए चाहे कोई आ जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई नहीं है भाजपा के टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सर, आज आप लोगों ने आरोप पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने ईडी गठबंधन के खिलाफ जारी किया है, खास करके झारखंड के संदर्भ में। तो झारखंड में जिस प्रकार से अभी हमारे चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, और अपने आप को इन्होंने विधानसभा के अंदर कहा था कि हेमंत सोरेन पार्ट टू, तो उसी के आधार पर जब हेमंत सोरेन जी तो जेल चले गए, लेकिन आज भी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है, तो उसी पर हम लोगों ने आरोप पत्र तैयार किया है। चलिए सर, आखिरी सवाल लेते हैं, रांची की बात करें, रांची लोकसभा सीट की, तो एक तरफ संजय सेठ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोध खान सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय है, क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा कितना भारी होने वाला है? देखिए, कोई टक्कर नहीं, युवा का ज्यादा समर्थन मिल रहा है? कोई टक्कर नहीं है, कोई युवा का समर्थन नहीं, हर युवा मोदी मोदी कर रहा है। भाई देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी तो देखना है कि ये परे रांची से परिचित है क्या, ये जिंदगी भर बिता दी बॉम्बे में,
तो बॉम्बे से आकर किसी की बेटी होना ही वंशवाद का तो परिचायक है ना। तो वैसी स्थिति में परखा हुआ जांचा हुआ संजय सेठ को वोट देगा, मोदी को वोट देगा कि इनको देगा? वैसे भी कांग्रेस का बंटाधार है इस इलेक्शन में। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे रांची से विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दर्शी न्यूज के लिए रांची से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।